आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं लगातार यदि आपकी मैरिज होने में डिले चल रहा है शादी के रिश्ते के लिए बातें चलती है लेकिन सफलता तक नहीं पहुंच पाती है तो गुप्त नवरात्रि के नौ दिन का एक ऐसा खास प्रयोग एक ऐसा चमत्कारी प्रयोग बताने वाला हूं इस उपाय को करने के बाद आपको कभी भी कोई भी दूसरा उपाय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि गुप्त नवरात्रि का जो समय होता है ये नवरात्रियां होती है ये अपने आप में इतनी चमत्कारी मानी जाती है कि आप इन नवरात्रियों में अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए संकल्प सिद्धि के लिए कोई भी प्रयोग करते हैं तो उसका परिणाम निश्चित रूप से आपके सामने आता है आप साधारण दिनों में अपनी कोई भी मनोकामना के लिए कोई भी उपाय करते हैं प्रयोग करते हैं तो वो कहीं ना कहीं इतना इफेक्टिव नहीं होता लेकिन नवरात्रि का जो समय होता है इस नवरात्रि के समय में भूमंडल जो होता है ये खास ऊर्जाओं से आच्छादित रहता है ऐसी कंडीशन में आप अपनी संकल्प सिद्धि के लिए कोई भी वैदिक विधि अनुसार शास्त्र सम्मत कोई भी उपाय करते हैं प्रयोग करते हैं तो वो फलीभूत अवश्य होता है तो आपके बेटा या बेटे की कुंडली में चाहे कैसा भी कोई दोष बन रहा हो जिसकी वजह से लगातार मैरिज होने में डिले हो रहा है शादी के लिए बातें चलती है लेकिन सफलता तक नहीं पहुंच पाती है बार बार आपके हर एक प्रयास करने के बाद भी शादी नहीं हो पा रही है तो जून माह में 30 जून से लेकर के 8 जून तक का यह चमत्कारी समय कहीं ना कहीं जिस विधि से जो प्रयोग में आपको बताने वाला हूं यदि आप इसका पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आपके बेटा या बेटी के विवाह में चाहे किसी भी ग्रह दोष के कारण डिले हो रहा हो शादी का रिश्ता तय हो जाएगा तो इस प्रयोग विधि को कैसे आपको संपन्न करना है पूरा विधिवत जिस विधि अनुसार मैं आपको बता रहा हूं इसको ठीक से सुने और इसका प्रॉपर जैसे मैं आपको बता रहा हूं उसी तरीके से आपको पालन करना है और ध्यान रहे इसका डेट आपको पता होना चाहिए तीस जून से लेकर के आठ जून तक का जो समय होगा यह गुप्त नवरात्रि का समय है अब इस विधि को कैसे संपन्न आपको करना होगा जानकारी देने से पहले मैं आपको बता दूं यदि अभी तक आपने मेरा ज्योतिष गुरु जी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी मेरे ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आपके जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण तो जानकारियां लेकर के हमेशा इस चैनल के माध्यम से मैं उपस्थित रहता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको यह उपाय कैसा लगा और इस उपाय को करने के बाद इसका जो परिणाम आता है आपके साथ किस तरीके की स्थितियां घटित होती है एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा तो देखिए करना क्या है 30 जून से लेकर 8 जून तक का समय है तो आपको जिस दिन से 30 जून से प्रारंभ करना है तो ध्यान रहे 9 दिन तक इस उपाय को करने के कुछ बेसिक नियम है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में हर हाल में उठ जाना है यदि जो लड़का लड़की स्वयं जिनकी शादी नहीं हो रही वो कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है नहीं उसके अभाव में वो नहीं कर सकते फिर माता पिता भी जिस विधि से मैं बता रहा हूं इस तरीके से वो कर सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठे 30 जून से लेकर 8 जून तक के तक 8 जून तक का जो समय होगा 9 दिन के लिए साढ़े पांच छह बजे के आसपास उठ जाएं आप उठ करके शोच आदि से निवृत्त होकर के 10 से 15 मिनट थोड़ा प्राणायाम वगैरह आप करें उसके बाद घर की पूजा स्थान में घी का दीप प्रज्वलित करके और तीन गुलाब के पुष्प ले लें उस पर इत्र लगा करके घर के पूजा स्थान में रख दें उसके बाद सबसे पहले आपके घर के जो पित्र, पित्रादी देवता हैं पूर्वज होते हैं होते हैं उनसे प्रार्थना करें जो आपका मनोरथ है जो आपका संकल्प है कि मेरे बेटा या बेटी की जल्दी से जल्दी शादी हो जाए स्वयं कर रहे हैं तो यह प्रार्थना करें कि मेरा यह मनोरथ किसी भी कारण से मेरे विवाह में विलंब चल रहा है आप कृपा करें जल्दी से जल्दी मेरी शादी के लिए रिश्ता तय हो जाए अपने पूर्वजों से प्रार्थना करें उसके बाद में तीन माला जिन लड़कों की शादी नहीं हो रही उनके लिए माता पिता तीन माला इस मंत्र की जरूर करें ओम द्राम द्रीम द्रोम सह सुक्रा नम जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है उनके माता पिता गुरु मंत्र की तीन माला करें ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र की तीन माला करने के बाद आपने जो सामने गुलाब के पुष्प रखे इत्र लगा करके आसपास में कोई भी मां भगवती दुर्गा माता का मंदिर हो तो तीनों गुलाब के पुष्प ले जाकर के मां भगवती के चरणों में समर्पित करते हुए अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना करें कि हे मातेश्वरी भगवती मेरे बेटा या बेटी के जीवन में जो विवाह में बाधाएं उत्पन्न हो रही है बार बार इसका निवारण करना और आपकी कृपा से शीघ्र अतिशीघ्र उसका विवाह का संयोग बन जाए ऐसा आशीर्वाद प्रदान करना ध्यान रहिए नौ दिन जब आप इस प्रक्रिया को कर रहे हैं चाहे स्वयं कर रहे हैं जिसकी शादी नहीं हो रही वो लड़का कर रहा है या लड़की कर रही है या माता पिता कर रहे हैं पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना लहसुन प्याज आदि से बिल्कुल परहेज रखना है नौ दिन तक झूठ बोलने से बचना है और कम से कम बोलना व्यर्थ के ज्यादा उपांग कोई भी शब्द प्रयोग नहीं करना जितना हो सके मौन रहना है और अंतर मन में एक ही भावना रखें मां भगवती के चरणों में कि मेरा बेटा या बेटे के विवाह में जो विलंब चल रहा है इसका जल्दी से जल्दी समाधान हो जाए और तीन माला का तो विधान में आपको बताया ये तो करना ही करना है बाकी आपके पास समय रहता है तो सायंकाल के समय शाम के टाइम भी गुप्त नवरात्रि के जो नौ दिन हो इसमें हाथ पांव मुंह धो करके घर के पूजा स्थान में घी का दीपक जला के तीन तीन माला शाम को भी आप कर सकते हैं यह प्रक्रिया आप गुप्त नवरात्रि के नौ दिन में पूरा प्रॉपर आप संपन्न करें और ध्यान रखें हो सके तो नौ दिन तक आप जमीन पर नीचे पर्स पर ही बिस्तर लगा के सोएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा बेड पर या ऐसे ऊपर सोने से परहेज करें ज्यादा ठीक रहेगा तो एक ये प्रॉपर आपका विधिवत एक तरीके से अनुष्ठान हो जाएगा और जब आप इस तरीके से संपन्न करते हैं तो निश्चित रूप से क्या होता है कि गुप्त नवरात्र में देवीय शक्तियां सकारात्मक ऊर्जाएं कहीं ना कहीं सक्रिय रहती है और जब आप इस विधि से पूरा एक एक अंत चेतना के साथ पूर्ण मनोयोग के साथ जब आप इस विधि को संपन्न कर देंगे तो यकीन मानिए देव शक्तियों की कृपा आपके ऊपर निश्चित रूप से बनेगी और आपके बेटा या बेटी के जीवन में जो विवाह का एक बंधन योग बना हुआ है वो कहीं ना कहीं खुल जाएगा और शीघ्र ही जल्दी से जल्दी शादी होने का योग घटित हो जाएगा आप इस प्रयोग को जरूर करके देखिएगा मैं फिर से दोहरा दूं तीस जून से लेकर के आठ जून के बीच जो गुप्त नवरात्रि का समय होगा उसमें यदि इस प्रयोग को आप संपन्न करते हैं तो जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता तय होना कहीं ना कहीं सुनिश्चित माना जाता है इस प्रयोग से तो आप जरूर इस प्रयोग को आजमा करके देखें और अपना एक्सपीरियंस अनुभव मेरे साथ आप जरूर शेयर करिएगा और भी मैरिज से रिलेटेड आपको सटीक जानकारियां प्राप्त करनी है आपकी शादी कब होगी शादी होने के बाद जीवन साथी कैसा मिलेगा शादी होने के बाद भाग्यवोध होगा नहीं होगा आपकी लव मैरिज होगी अरेंज मैरिज होगी पूरा प्रॉपर सटीक जान के लिए सटीक जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप अभी मेरे ज्योतिष गुरु जी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाकर के चेक करिए मैंने वहां पर 101 परसेंट सटीक कैलकुलेशन के साथ वीडियोज अपलोड किए हैं जिनसे लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं आप भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं आप मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का साइंटिफिक सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है आप मेरे को यहां पर संपर्क कर सकते हैं कॉन्टेक्ट कर सकते हैं देखते ना आप हमारा ज्योतिष गुरु जी चैनल